Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and a lot of strikes are going around in our country regarding this, and that is Agnipath scheme. It is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. See why it is in news. Government ne unveiled ki hai Agnipath scheme for recruiting soldiers across the three services, which is Army, Navy, Air Force. ओके सो हम इन डिटेल इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि आप लोग इस चीज़ से यू नो अवेयर होंगे, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बिहार हो गया, यूपी हो गया, स्ट्राइक हो रही है ऐसे स्टूडेंट्स के द्वारा, और हम कह सकते हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स के द्वारा जो कि एज अ सोल्जर रिक्रूट होना चाहते थे बिकॉज दे आर अगेंस्ट द स्कीम. सो बेसिकली व्हाट इज़ द अग्निपथ स्कीम. ये अलाउ करेगी पैट्रियोटिक और मोटिवेटेड यूथ को आर्म फोर्सेस को सर्व करने में 4 साल के लिए. इस स्कीम के तहत यूथ जो है वो आर्मी ज्वाइन करेगा, उसको क्या कहा जाएगा, अग्निवीर कहा जाएगा. यूथ को जो है रिक्रूट किया जाएगा आर्मी के अंदर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. इसी न्यू स्कीम के अंदर अराउंड 45,000 से लेके 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा एनुअली, और मोस्ट ऑफ देम विल लीव द सर्विसेज इन जस्ट 4 ईयर्स. 4 साल के बाद सिर्फ 25% जो है उस बैच का रिक्रूट बैक किया जाएगा इन द रिस्पेक्टिव सर्विसेज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं. देखो ये पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स के लिए है जो कि फोर्सेस को एज अ कमीशनड ऑफिसर नहीं ज्वाइन करना चाहते. कमीशनड ऑफिसर्स जो है वो आर्मी के हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स होते हैं, जो कि आप लोगों को पता है कमीशनड ऑफिसर्स जैसे हमारे एफ कैट, CDS, NDA इन सब के तरह जो यू नो एक तरीके से एंटर करते हैं. कमीशन ऑफिसर्स जो एक्सक्लूसिव रैंक को होल्ड करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, इनको जो है एक कमीशन मिलता है अंडर द प्रेसिडेंट सोवरन पावर, एंड इनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है टू प्रोटेक्ट द कंट्री. एस्पिरेंट्स जिनकी एज 17.5 से लेके 23 ईयर्स तक होगी वो एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए. सो बेसिकली व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. इसका एम है अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना यू नो पेट्रियोटिक और मोटिवेटेड यूथ को विद जोश एंड जज्बा टू जॉइन द आर्म फोर्सेज. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एवरेज एज प्रोफाइल को ब्रिंग डाउन करेगी इंडियन आर्म फोर्सेस को बाय अबाउट 4 to 5 ईयर्स. ये स्कीम जो है इन्विजन करेगी, या फिर हम कहें एवरेज एज जो होगी फोर्सेस की उसमें 32 ईयर्स है आज के टाइम पे, बट इसकी वजह से जो है 26 ईयर्स हो जाएगी इन अपकमिंग 6 to 7 ईयर्स. बेनिफिट्स क्या है अग्निवीर के लिए. देखो अंडर द कम्प्लीशन ऑफ 4 ईयर सर्विस एक तरीके का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा 11.71 लाख का अग्निवीर को, जिसमें उनके यू नो एक्यूट इंटरेस्ट होंगे. उनको 48 लाख की लाइफ इंश्योरेंस कवर दी जाएगी फॉर 4 ईयर्स इन केस ऑफ डेथ, और पे आउट जो है वो 1 करोड़ तक हो सकता है इंक्लूडिंग पे फॉर अनसर्व टेन्योर. गवर्नमेंट जो है वो रिहैबिलिटेट करेगी सोल्जर्स को जो कि सर्विस को लीव कर देंगे आफ्टर 4 ईयर्स. उनको स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. क्या कंसर्न्स है इस टॉपिक से रिलेटेड. नंबर 1 वी हैव इज डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर जॉब. जो अग्निपथ स्कीम है वो रिक्रूटमेंट तो यू नो ओपन कर रही है 45,000 सोल्जर्स के लिए इनटू आर्मी, एयर फोर्स, नेवी फॉर द फर्स्ट ईयर, बट शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए दैट इज़ ओनली 4 ईयर. जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा सिर्फ 25% ही जो है वो रह पाएंगे और बाकी को जो है फोर्सेस छोड़नी पड़ेगी. जो 4 साल की सर्विस है मतलब उन वो जो है दूसरी जॉब पे भी रीच आउट नहीं कर पाएंगे और वो अपने पीयर्स से पीछे रह जाएंगे. सेकेंड डिफ़िकल्टी इज़ नो पेंशन बेनिफिट. जिनको अग्निपथ स्कीम के तहत यू नो हायर किया जाएगा उनको एक तरीके का 1 टाइम लमसम दिया जाएगा अ लिटल मोर देन 11 लाख जब वो उनका 4 ईयर टेन्योर ख़त्म हो जाएगा. हाउएवर उनको कोई पेंशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनको जो है सेकेंड जॉब को देखना पड़ेगा सो दैट वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. ट्रेनिंग में रिमेन अनयूटिलाइज्ड. जो फोर्सेस का एक्सपीरियंस है वो कभी यू नो आउटसाइड वर्ल्ड में तो वो यूज़ कर ही नहीं सकते. जो जवान हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करेंगे दे विल बी गिवन टेक्निकल ट्रेनिंग सो दैट वो जो है ऑनगोइंग ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सके.
बट जब ये 4 साल बाद छोड़ देंगे तो एक तरीके का वॉइड क्रिएट हो जाएगा उनकी वर्क लाइफ में। और सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम का? फ्यूचर रेडी सोल्जर्स को यू नो क्रिएट करने के लिए ये स्कीम को एक तरीके से लाया गया है। दूसरा जो है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा मानना है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा और जो स्किल्स और एक्सपीरियंस एक्वायर किए जाएंगे ड्यूरिंग 4 ईयर सर्विसेज उनकी वजह से जो है बेसिकली सोल्जर को बाहर दूसरे फील्ड में यू नो एक तरीके से जॉब मिल जाएगी। बट ये जो टॉपिक ये वाला पॉइंट है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, बिकॉज आर्म फोर्सेज में जो ट्रेनिंग होती है उसको हम आउटसाइड वर्ल्ड में यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, लाइक नॉट इन दैट वे। बट अगर कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए आज के टाइम पे आप देखते हो कि जो सोल्जर्स अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, सो बेसिकली हवलदार और हम कहें JCU एंड ऑल, सो दे आर वर्किंग एज एन यू नो सिक्योरिटी गार्ड इन सम ऑफ द बैंक्स इन सम ऑफ द प्लेसेस। सो ये आज भी उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी आर्म फोर्सेस में बिताई होती है, उसके बाद उनको कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ देयर फैमिली और वी कैन से सपोर्ट देयर फैमिली दे हैव टू वर्क आफ्टर वर्ड्स ऑल्सो। सो ये प्रॉब्लम तो कौन कहता है कि 4 साल बाद नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम 4 साल बाद भी आएगी। हाई हायर स्किल्ड वर्कफोर्स, इसकी वजह से अवेलेबिलिटी होगी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी गेन होगा, GDP का ग्रोथ होगा। इसमें कुछ यू नो पॉइंट्स नहीं दिए हुए, दैट इज़ इससे आर्म फोर्सेस को काफ़ी बेनिफिट होगा, दे विल एबल टू सेव अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी, और जिसकी वजह से वो क्या कर पाएंगे और ज़्यादा हथियार को और हमारा मतलब बेसिकली डिफेंस के इक्विपमेंट्स पे पैसा लगा पाएंगे। अदर देन दैट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जो है सोल्जर्स की ट्रेनिंग पे बहुत पैसा खर्चती है और वो जो है अर्ली रिटायरमेंट लेने की वजह से बर्बाद हो जाता है उनका एफर्ट मनी, सो दैट विल बी सेव्ड एंड यही पर्पस है गवर्नमेंट का। ओके, उनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरी बर्डन जो है आर्म फोर्सेस के ऊपर वो कम होगा इस स्कीम के बाद। ओके, सो गाइज दैट वॉज ऑल, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आई यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस। गाइज योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन टाइम, सो काइंडली डू दैट, थैंक यू।